राज ठाकरे आदि उत्तर भारतीयांची माफी मागा, अन्यथा अयोध्यात प्रवेश नाही। उत्तर भारतीयांवरील टीकेवरून हिंदुत्वाच्या भूमिकेकडे वळलेले मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या विरोधात भाजप नेते पुढे येत आहेत। उत्तर प्रदेश व बिहारच्या लोकांवर मनसेच्या लोकांनी केलेल्या हल्ल्यांबद्दल व त्यांच्या अपमानाबाबत ठाकरे यांनी हात जोडून या राज्यांसह संपूर्ण उत्तर भारताच्या जनतेची जाहीर माफी मागावी। माफी मागितल्याशिवाय त्यांना अयोध्येत प्रवेश नाही, पाय ठेवायलाही देणार नाही, असा इशारा भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी दिला आहे। तब तक उनको अयोध्या नहीं आना चाहिए और आएंगे तो मैं उनको घुसने नहीं दूंगा अयोध्या में। पहले वो माफ़ी मांगे और मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी को, मतलब मैं सलाह देने की हैसियत में तो नहीं हूं, लेकिन जनभावना को देखते हुए मैंने निवेदन किया कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते सार्वजनिक रूप से उत्तर भारतीयों से, केवल उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, तब तक योगी जी को नहीं मिलना चाहिए। जी सर, ये जो आप बयान दे रहे हैं ये आपकी अपनी तरफ से है? ये मेरा अपना है और मेरा अपना है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। और मैं ये बताऊं आपको कि ये मेरा अपना है और ये जो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ या रोक नहीं पाया, ये आज का नहीं है, ये 2008 से देख रहा हूँ। 2008 से देख रहा हूँ, मराठी मानुष का मुद्दा ही इन्होंने पैदा किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मुंबई में 80% योगदान, मुंबई के विकास में 80% योगदान मुंबई के अलावा अन्य लोगों का है। आज मुंबई के लोग छोड़ दें तो क्या होगा? तो ऐसा तो उनको, उन्होंने गलती किया ना, हम गलती नहीं कर रहे हैं। हम तो उनको गलती सुधारने की बात कर रहे हैं कि वो गलती सुधारें। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।